ज्येष्ठ मासर शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथिरे पड़िथाए पवित्र देवस्नान पूर्णिमा। एही दिन महाप्रभु जगन्नाथ रत्न सिंहासन छाड़ी स्नान बेदी को विजे करिथांती। 108 गोरा सुबासित जलरे स्नान करंती कालिया ठाकुर। एहा परे गजानन वेश धारण करी भक्त मानंकु दर्शन देइथांती दारुदियो। हरि बोल हुळहुळी ओ जय जगन्नाथ ध्वनि रे प्रकंपित होई उठे पूरा श्रीक्षेत्र। ता परे टाहिया हलाई स्नान बेदी को आसंती चतुर्धा मूर्ति। स्नान बेदी रे 108 गरार अभिमंत्रित जल रे गाधोई सारी जर रे पड़ंती महाबाहु। एहा परे श्री मंदिर अनवसर घरे महाप्रभु विश्राम करिथांती। परंपरा अनुजाई एहार ठीक परे श्री मंदिर रे पटी दियंकु पूजा करिवार विधि रहिछि। महाप्रभु जगन्नाथंक पई अनंत नारायण बड़ ठाकुर, श्री बलभद्रंक पई अनंत वासुदेव ओ देवी सुभद्रांक पई मां भुवनेश्वरी पूजा पांती। एही नियम अनुजाई चित्रकार सेवक माने पटी दियं प्रस्तुत करि श्री मंदिर प्रशासन को हस्तांतर करिथांती। पटीदियोंक निकटरे प्रत्येक मंगल आरती ठारु आरंभ करि अवकाश बेश सकाळ धूप भोग मंडप संध्या आरती संध्या धूप बड़सिंहार बेश बड़सिंहार भोग एवं रात्र पहुड़ आदि समस्त नीति अनुष्ठित होइथाए। श्री मंदिर नीतिकांति अनुजाई अनवसर घरे दैतापति सेवक माने दारु ब्रह्मंक गुप्त सेवा करिथांति। एहा परे जोर पीड़ा लाघव करिबा पई श्रीजीवंकु 10 मूल महोषधि अर्पण करा जिबा सह महाबाहुंक श्री अंगरे फुलुरी तेल लागी होई थाए। एहार ठीक 13 दिन परे महाप्रभु जगन्नाथ संपूर्ण सुस्थ होई थांती ओ महाबाहुंकर बनक लागी बेश होई थाए। एहार एक दिन परे पटी देयंकु अपसारण करा जाए एवं प्रभु नवजौवन बेशरे दर्शन दियंती। एभले समस्त नीतिकांति सरिबा परे स्वतंत्र भावरे अनुष्ठित हुए श्रीजीवंकर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा।